हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज के सीखने टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अगर रेलवे से अगर सफ़र करते हैं, अगर ट्रेन का टिकट बुक करते हैं या फिर करवाते हैं काउंटर पर जाकर के, या फिर किसी एजेंट से टिकट बुक करते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे कि आप टिकट ले रहे हैं या टिकट बुक कर रहे हैं तो उसमें वेटिंग लिस्ट होता है कई तरह का। एक होता है GNWL, जनरल वेटिंग लिस्ट होता है। एक होता है आपका PQWL, एक होता है रिमोट लोकेशन RLWL, एक होता है TQWL, तत्काल वेटिंग लिस्ट। तो इन सब वेटिंग लिस्ट का आखिर है क्या ऑप्शन? ये सारी वेटिंग लिस्ट ही है, लेकिन सबका अलग अलग नाम क्यों है? कोई TQWL है, कोई RLWL है, कोई PQWL है, कोई GNWL है। आखिर इन सबका है क्या मतलब? क्योंकि आप टिकट तो बनवा लेते हैं, अब आपको पता नहीं है कि हमें कौन सा टिकट पहले जनरल लिस्ट वेटिंग कौन सा कन्फर्म होगा, या फिर RAC पहले कन्फर्म होगा, या फिर GNWL होगा पहले कन्फर्म, या फिर रिमोट RLWL होगा, या फिर PQWL होगा, इनमें से कौन सा वेटिंग लिस्ट पहले कन्फर्म होगा? आपको ये चीज़ पता होता नहीं, आप टिकट बुक कर लेते हैं चाहे कोई सा वेटिंग लिस्ट होता है उसमें से। ऐसा होता है कि जब चार्ट बनने वाला होता है 4 घंटे पहले, तो हुआ क्या कि एक भी वेटिंग लिस्ट आपको घटा नहीं है और आपका जो है वो टिकट फिर कैंसिल कराना पड़ जाता है या फिर आपको वेटिंग में सफ़र करना पड़ जाता है। तो आज आपको ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में जो है सारा डिटेल बताने वाला हूँ कि आप कौन सा वेटिंग लिस्ट लेकर के आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं जिसका सबसे ज़्यादा चांस होता है कन्फर्म होने का। तो अगर आप जब भी आप टिकट बुक कराने जाएँ तो आप कौन सा वेटिंग लिस्ट लें? आपको अगर टिकट अगर काउंटर पर अगर आप जाते हैं टिकट बुक कराने के लिए, या फिर खुद से टिकट बुक करते हैं, तो उसमें से कौन सा ऐसा वेटिंग लिस्ट आप लें कि जो कन्फर्म हो जाए? बहुत सी ऐसी ट्रेन होती है जो कि शुरू से अगर जहाँ से वो बन के चल रही है, लास्ट जब जहाँ ख़त्म होती है अगर वहाँ का टिकट आप बुक करते हैं तो वो GNWaiting लिस्ट होता है, तो ये कन्फर्म होने का ज़्यादा चांस होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप कौन सा वेटिंग लिस्ट आप टिकट बुक करें ताकि आपका कन्फर्म होने का चांस ज़्यादा हो, और कौन सा वेटिंग लिस्ट ना लें जिसका कन्फर्म होने का चांस नहीं है, और कौन से वेटिंग लिस्ट का कितना चांस होता है कन्फर्म होने का। तो आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद है तो क्लिक वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आखिर कौन सा वेटिंग लिस्ट आपके लिए सबसे पहले आपको सीट कंफर्म करके देता है ट्रेन में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, आप जब भी टिकट बुक करने जाते हैं, चाहे खुद से आप टिकट बुक करें, चाहे अगर आप काउंटर से जाते हैं टिकट बुक करने के लिए, तो अगर आपको कंफर्म सीट मिल रहा है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो तो कंफर्म है ही है। अगर कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा आपको, अगर वो वेटिंग लिस्ट आ रहा है, तो वेटिंग लिस्ट अब उसमें से कौन सा है? जैसे कि आप यहाँ से मान चले आप दिल्ली में हैं, आप दिल्ली से आपको सफ़र करके जाना है मुंबई। बहुत सी ऐसी ट्रेन है जो दिल्ली से जो मुंबई जाती है, मुंबई होकर के वो जो है केरला तक पहुंच जाती है या फिर और अदर स्टेट में जाती है वो। तो जो भी ट्रेन आपकी जो दिल्ली से मुंबई जा रही है, अगर वो मुंबई के बाद वो आगे भी जा रही है, तो वो जो वेटिंग लिस्ट अगर आप दिल्ली से मुंबई तक का आप उस ट्रेन में टिकट लेते हैं, तो वो आपका वेटिंग लिस्ट जनरल वेटिंग लिस्ट नहीं होगा, वो या तो फिर RLWL होगा या फिर वो PQWL होगा। तो इसमें होता क्या है इन दोनों वेटिंग लिस्ट में, कि इन दोनों वेटिंग लिस्ट का कन्फर्मेशन का जो है, अगर आपका 10 वेटिंग भी अगर आपने बुक कर लिया, तो इसमें कन्फर्मेशन का चांस बहुत ही कम होता है, मुश्किल से 1-2% चांस होता है इसमें कन्फर्म होने का। इसलिए क्योंकि ये ट्रेन जो है आपसे जहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है डेस्टिनेशन, अब जहाँ पे आप अपने उतर रहे हैं, आपने जहाँ तक का टिकट बुक किया जिस स्टेशन तक का, उसके बाद भी वो ट्रेन जो है 500-2000 किलोमीटर आगे जा रही है, तो वहाँ तक का अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको कंफर्म होने का चांस ज़्यादा होता है। जैसा कि अगर वो ट्रेन अगर दिल्ली से केरला जा रही है, केरला जो है मुंबई होकर के जा रही है, फिर गोवा जा रही है तो मुंबई होकर के जा रही है, तो अगर आप मुंबई अगर उतरेंगे या मुंबई तक का आप टिकट बुक करेंगे तो आपको कंफर्म होने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप वो ट्रेन अगर दिल्ली से जो है चल के गोवा जा रही है और बीच में आपको उतरना है आपको मुंबई, तो अगर आप गोवा तक का टिकट बुक करेंगे उस ट्रेन में, तो आपका कन्फर्म होने का चांस ज़्यादा होता है। उसमें करीब आपको 50-60% चांस होता है, अगर 15-20-50 वेटिंग भी अगर हो तो, अगर 10-15 दिन पहले अगर आप टिकट बुक कर लिए हो तो। लेकिन अगर आप दिल्ली से मुंबई तक का ही आप टिकट बुक करते हैं, वो ट्रेन गोवा जा रही है या मुंबई जा रही है, आगे वो केरला तक जा रही है, तो आपका कन्फर्म होने का चांस बहुत कम होता है। तो ये होता है RLWL या फिर होता है PQWL, इसमें कन्फर्म होने का चांस बहुत कम होता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप टिकट बुक करें तो ऐसी ट्रेन में टिकट बुक करें कि जहाँ से वो ट्रेन बन के जा रही है, जहाँ से आप ट्रेन में बैठने वाले हैं, तो ऐसा ट्रेन चॉइस करें कि जहाँ से आप बैठ रहे हैं वो ट्रेन वहाँ से बने, और जहाँ आपको उतरना है, जहाँ आपका लास्ट डेस्टिनेशन है, आप वहाँ तक ही वो ट्रेन जाके ख़त्म हो जाए। तो फिर अगर वहाँ का वेटिंग लिस्ट है अगर 10-20-50, तो वहाँ का आप वेटिंग लिस्ट ले सकते हैं ताकि वो कन्फर्म होने का चांस ज़्यादा होता है। और जब भी आप टिकट बुक करें तो आप पहले ये चेक कर लें कि वहाँ पर वेटिंग लिस्ट कौन सा आ रहा है,
क्योंकि जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा RLWL, फिर उसके बाद आता है GN वेटिंग लिस्ट आपका यह है। अगर फिर दूसरा अगर ऑप्शन अगर होगा तो फिर PQWL, फिर उसके बाद आपका जनरल वेटिंग लिस्ट रखना है। अगर आप तत्काल बुक करते हैं, तत्काल में भी अगर वेटिंग होता है तो TQWL और उसके बाद आपका इतना वेटिंग लिस्ट आता है GNW। अगर आप इसी तरह से अगर आप RAC बुक करते हैं, RAC है तो वहाँ पे RAC नंबर होगा, उसके बाद आपको जो है जो कंफर्मेशन जो आपका जो करंट में चल रहा हो RAC वो आपको ऑप्शन दिखाएगा। तो RAC में तो सबसे ज़्यादा चांस होता है कन्फर्म होने का। सबसे पहले जो कन्फर्म होता है टिकट, अगर आप IRCTC के काउंटर एप्लीकेशन से आप टिकट बुक करें चाहे इंडियन रेलवे काउंटर जाकर बुक करें, दोनों में से जो से भी टिकट आप बुक करेंगे उसमें सबसे पहले चांस, सबसे ज़्यादा चांस जो होता है टिकट कन्फर्म होने का RAC का होता है। RAC का टिकट कन्फर्म होने का सबसे पहले चांस होता है। उसके बाद जो होता है सबसे ज़्यादा जो चांस होता है कन्फर्म होने का वेटिंग लिस्ट, जनरल वेटिंग लिस्ट GNWL। तो जब भी आप टिकट बुक करने जाएं तो अगर टिकट आपको वेटिंग दिखा रहा है तो आप वहाँ पे पहले ये चेक कर लें कि वहाँ पे कौन सा वेटिंग लिस्ट है, GNWL आ रहा है या फिर PQWL आ रहा है या फिर RLWL आ रहा है। तो GNWL का मतलब होता है, फुल फॉर्म है जनरल वेटिंग लिस्ट। तो जनरल वेटिंग लिस्ट अगर है उसमें अगर 10 20 30 भी वेटिंग है तो आप उसको बुक कर लें, अगर एक आध हफ्ते का अगर टाइम है आपका तो वो पहले कन्फर्म होता है। क्योंकि जैसे ही RAC कन्फर्म होता है, RAC के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है जनरल वेटिंग लिस्ट कन्फर्म होने का। इसके बाद फिर आपको ऑप्शन आता है PQWL का, जिसका फुल फॉर्म है फुल कोटा वेटिंग लिस्ट। इसके बाद जो आता है फिर RLWL वेटिंग लिस्ट का, जिसका फुल फॉर्म है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। उसके बाद आता है लास्ट और सबसे कम जिसका चांस होता है कन्फर्म होने का, वो TQWL, जिसका फुल फॉर्म होता है तत्काल वेटिंग लिस्ट। तो फिर जब भी आप टिकट बुक करें तो सबसे पहले ये चीज़ आप जरूर देख लेते हैं कि आपको कौन सा वेटिंग लिस्ट वहाँ पर शो कर रहा है। अगर जनरल वेटिंग लिस्ट शो कर रहा है GNWL तो आप टिकट आसानी से बुक कर लें इसको। अगर 10 20 30 अगर वेटिंग है, अगर आपके पास टाइम है 10 दिन 15 दिन का अगर सफर करने का, तो आप आराम से टिकट बुक कर सकते हैं। इस पर कन्फर्म होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर और भी कोई वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है PQWL या फिर TQWL या फिर RLWL, तो उसमें अगर 10 वेटिंग भी है तो आप उसमें टिकट बहुत मुश्किल होता है कंफर्म होने का अगर आप उसमें टिकट बुक करते हैं। तो इसलिए जब भी टिकट बुक करने जाएं तो सोच समझ के टिकट बुक करें और देख करके टिकट बुक करें, ताकि आपको सफ़र करने के टाइम में परेशानी ना हो। टिकट अगर कन्फर्म नहीं होता तो मुझे पता बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है एट ए टाइम जब आपका टिकट कन्फर्म नहीं होता, आपको जाना ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी बंदा टिकट अपना बुक करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जाना, तभी वो टिकट बुक करते हैं, वरना ऐसे किसी को जो है टिकट बुक करने का शौक नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।